तो वहीं भरतपुर जिले में हुए कोरोना के विस्फोट के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसका आंकड़ा 470 पर पहुंच गया है। इसके बाद प्रशासन ने नगर निगम इलाके में महाकर्फ्यू फिलहाल लगा दिया है। ये कर्फ्यू जीरो मोबाइलिटी पर लगाया गया। इस दौरान किसी से भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। मेडिकल और दूध की दुकानों के लिए फिलहाल ये छूट रखी गई है। इसके अलावा सभी तरीके की दुकानें वहां पर बंद रहने वाली है। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश गोयल और सीओ सिटी हवा सिंह सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के बाजारों का दौरा किया। इस दौरान बिना मास्क और बिना हेलमेट के जो भी व्यक्ति मिला उसके चालान भी काटे गए। भरतपुर शहर में कोरोना का जो संक्रमण एक साथ तेजी से फैला है पिछले सप्ताह में, उसी को लेकर के एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने के दृष्टिकोण से दोबारा एक बार कर्फ्यू लगाया गया पूरे शहर में, जीरो मोबिलिटी जैसे पहले लगा था, और उसकी सख्त पालना सुनिश्चित कराने के दृष्टिकोण से सभी लोग पुलिस और प्रशासन नियमित रूप से गश्त कर रहा है। समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे हैं, और जहाँ समझाइश से काम नहीं चल रहा है वहाँ भी चालान भी बनाए गए हैं। एक आध दुकानदार द्वारा तेजी होकर जो बातचीत की थी उसके लिए उसको गिरफ्तार भी किया गया, और ये अभियान जब तक ये कर्फ्यू है तब तक जारी रहेगा। साथ साथ मेरी अपील भी है यहाँ के नागरिकों से कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, अनावश्यक रूप से किसी भी वजह से कारण से और ऑफिस से अपने घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो फिर मास्क पहन करके निकलें और दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना पूरी तरह से करें। जिन दुकानों को इस समय खोलने की अनुमति दी गई, मेडिकल दुकान, LPG, उन सब दुकानदारों से भी मेरा अनुरोध है कि वो सब भी दुकान पर मास्क लगा करके ही रहें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ ना करें, बोली में लगा करके ही दुकानों को रख करके ग्राहकों को सामान दें।